इसलिए कहीं से आप पीछे से 10 कुर्सियां मंगाए और यहां पे 10 कुर्सियां हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए पुनः स्थापित करें। 10 कुर्सियां अभी पीछे से मिल जाएगी। उपखंड अधिकारी भी पधारने वाले हैं। अगले कुछ ही दिनों में उपखंड अधिकारी महोदय भी पधार जाएंगे और एक और गदा हमारे सरदार शहर के विधायक जी सम्मानीय बच्चों को प्यार लेना चाहूं। आज जिको मेरो हादसो हो जिको मैं पूरा सरदार शहर वाला को एक एक जना को मैं बहुत बड़ो ऋणी हूं। बार दुआ बार आशीर्वाद जिका की वजह में मैं आज वापस खड़े हूं अठे की स्टेज पे। इले बहुत बहुत सब ने मेरो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को तो हमेशा रहे ये आशीर्वाद, आप लोगों को आशीर्वाद और जितो रहे हुए ये भी कोई भगवान के साथ है कोई आप तुलना कौन कर सका। और गांव है आप लोग
आप काड़े पहली बारी प्रयास हुए है दशहरा को और अब आज जीतू वो बोलो है कि आप मोम्मा सर आने त्रिया मैं आ कहूं मोम्मा सर आला आपना एग्जांपल लेवे आप मोम्मा सर को एग्जांपल को लेवा था और इस आगे आगे अगलो दशहरा लो प्रोग्राम आप मोम्मा सर उमड़ी आप भी करना की पूरी पूरी बात खान इधर सागर सागर में मेरे सब जाने विराम देना चाहूं और सब ने दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आना दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे मालो परिवार पूरे कुबेर परिवार की तरफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अगली बार यह कार्यक्रम और भव्य होगा और ऐसा हमें विश्वास होता है जब इतने इतने बच्चे इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता देते हैं इसके समक्ष रण क्लांत हो गया हूं रावण घड़ा छोड़कर कैसे खड़ा हो गया है कुछ समझा रावण जानकी हरण का पाप ही इसका एकमात्र कारण है तुम जगत के श्रेष्ठ वीर श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ रण में निशस्त्र हो गए मैं महापंडित रावण की हत्या नहीं करना चाहता अब भी मेरी जान की लौटा दे रावण तुम जान की को रख नहीं पाओगे नहीं रख पाऊंगा क्यों तुम महान हो माया की तर्जनी के संकेत पर चलने वाले हो फिर सीता को दबा दोगे कहीं सोने का मृग भी होता है राम सीता ने पकड़ने को कहा और तुम जादू से मोहित की तरह मृग के पीछे दौड़ पड़े तुम कभी सीता को रख नहीं सकते अब सीता लौटाने की बात अपने मुंह से ना निकालो उसके सौंदर्य की चमक में दीपक में पतंगे की तरह ना गिरो ये सीता तुझे जन्म भर रुलाएगी राम मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं जीते जी सीता नहीं लौटाऊंगा सच है अन्यथा वेद शास्त्रों का ज्ञाता राजनीति का प्रकांड विद्वान महादेव का कृपा पात्र कवि अतुलित प्राक्रमी रावण की यह दशा सुधेव ही इसका एकमात्र कारण है किसी देव के कारण नहीं देव देव तो पैर पुकारता है राम मैं आज तुम्हें दिखलाना चाहता हूं कि रावण किस धातु का बना है राक्षस रक्षा कर अपनी ha 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 ha
स्काउट से जुड़े हमारे तमाम विद्यार्थियों का उनके गुरुजनों का
Thank you.